ये गड़ा, ये ये तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? हकदार को उसका हक मिलकर रहता है। छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी मौत की वजह अपने खून के साथ गद्दारी करना है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जनाब पेत्रोस, क्या मैं इसको मार दूं? नहीं, लानत हो उस्मान। चलो भागे पेत्रोस। मैं तुम्हें खुशी से जिंदा दफन कर देता, तुम्हें उस्मान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। निकलो यहां से। तुम हमें सब कुछ बताओगे? खामोशी सबसे बड़ी इबादत है साहूची साहब। तुम निकोला के लिए या फिर पापा आजम के लिए काम कर रहे हो? तुम्हारी कब्र कैसे खोदनी है पता है मुझे। ले चलो इसे। तो तुम थे, तमाम फितरों के सरबराह तुम थे ना? तो ये पेत्रोस है, हाँ, जिसका नाम मेरे बाबा ने रखा, वो सुलेमान कहाँ है? ताजिर मलिक कहाँ है? मैंने कुछ पूछा है? वो जमीन के नीचे गल सड़ रहे हैं। अब मेरी बारी है, चलो चलो मुझे मार दो, मार दो। पेत्रोस, हाँ पेत्रोस, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है सुलेमान। तुम मुझे पेत्रोस कह सकते हो? पेत्रोस, हाँ,
चुबानोलार कबीले के बहादुर सरदार की बहन हाँ गजल खातून, तो वो तुम थी जिसने चचा को हमेशा उकसाया। नहीं, मैंने नहीं उकसाया। सच जल्द मालूम होगा उस्मान साहब। ले जाओ यहां से। उस्मान साहब के सामने इसकी असलियत आ ही गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। चलो उनका इस्तकबाल करें गुंजा। स्काई कबीले में काफिरों का साथ देने वाले ये है वो गद्दार। गद्दारों को माफ नहीं करना चाहिए। हमने गजल खातून को इनके साथ फरार होते हुए गिरफ्तार किया। उस्मान साहब इन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। गजल खातून ऐसा कैसे कर सकती है? शहादतों का सबब बनने वाला हमारे कबीले में गद्दार कौन था जान चुका हूं मैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन है। गद्दार वो शख्स है जिसे अपनी जान जिसे अपना खून समझा चचा दुमदार साहब है। क्या कहा? दुमदार साहब? सुना तुमने? दुमदार साहब का नाम लिया गया है। दुमदार साहब पर पहले चचा है। के साथ मुखलिस नहीं थे। तारी कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या सुन रहा हूँ? ये जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। पापा पापा आपने क्या किया? गजल खातून को ले जाओ यहां से और वहां सिपाही तैनात कर दो। जब तक दुमदार साहब गिरफ्तार नहीं होते गजल खातून कहीं नहीं जाएंगी। जैसे ही वो हाथ आ जाएंगे इन्हें इनके कबीले रवाना कर दिया जाए। जब तक मेरी सांस बाकी है ये सरजमीन पर कभी कदम भी नहीं रखेंगे। ले जाओ। गजल खातून ने बहकाया होगा, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। कैद खाने में ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। ऐसे गद्दारों को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, उनको बचना नहीं चाहिए। Thank you.
उस्मान साहब, गद्दार, चाहे मेरे पापा ही हो, उनका खून आप पर हलाल है। रिवायत जो कहती है वही करें। इस कबीले में कोई गद्दार नहीं चाहिए। अपना सर मत झुकाओ आइकुल। बाप के गुनाहों की सजा उसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम हमारे सर का ताज हो, उसे शर्मिंदा होना चाहिए जिसने नस्ल को दागदार किया। मेरे चचा दुंदार साहब, सावजी भाई, सावजी भाई, चलिए फिर से आगाज करते हैं। आबादकारी के दस्तावेजात हासिल करने के लिए तुमने कौमान तुर्कों से हम पे हमला करवाया और चचा दुंदार तुम्हारे मददगार थे। हाँ, गजल खातून को तुमने जिंदा दफन करने की कोशिश क्यों की? दुंदार गद्दार है। जब मैं जान गया तो उसकी हर चीज से वाकिफ गजल खातून को तुमने मारना चाहा। ऐसा ही है ना? उस्मान साहब ने सवाल किया है, तुम्हें जवाब देना चाहिए। पादरी के लिए काम कर रहे थे। हाँ, निकोला के साथ मेरे खिलाफ इत्तेहाद किया और गजल खातून ये जानती थी तो जाहिर होने से तुम लोग डर रहे थे मेरे सामने। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो तुम्हें हमसे क्या चाहिए? दुंदार चाहिए, दुंदार। दुंदार कहाँ है? कहाँ है? तुम्हें क्यों बताऊं कि दुंदार कहाँ है? जो के बहुत से सिपाहियों और तुम्हारे भतीजे बायुजा की मौत का सबब बना। उसके छुपने की जगह का तुम्हें क्यों बताऊं? मैं उस जैसा वफादार इत्तेहादी क्यों जाया करूं? जब तक वो जिंदा रहेगा वो तुम्हें और तुर्क कबाइल को परेशान करता रहेगा।
मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं कि वो गद्दार कहां छुपा है उस्मान साहब? मेरा सवाल आसान है पेत्रोस, बहुत ही आसान। तुम दुद्दार के मरने तक ही जिंदा रहोगे। दुद्दार जब तक जिंदा है सिसकते रहोगे दोनों यही। जब तक वो जिंदा रहेगा तुम पर तशद्दुद होता रहेगा और तुम मरने की भीख मांगते रहोगे। अब मुझे बताओ जरा, दुद्दार कहां है? कहां है पेत्रोस? बता दो उसे, बता दो इसे, दुद्दार का काम तमाम हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या मरे। यकीनन उस्मान साहब सब कुछ जानते हैं। हम हार गए हैं। इसे मजीद तूल मत दो, मैं अब बहुत जल्द मरना ही चाहता हूं। बता दो इसे। निकोला, दुद्दार निकोला की पनाह में। हट जाओ, अंदर जाऊंगी। उस्मान साहब का हुक्म तुम जानती हो आयगुल। उस्मान साहब के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाली मैं आखिरी इंसान होंगी। मैंने उनसे कुछ बातें कहनी है। मुख्तसर बात करना। हर चीज आप दोनों एक साथ ही करते थे ना। जिस दिन से बाबा काई सरदार नहीं बने उस दिन से गद्दारी शुरू कर दी ना। गद्दारी करने वाले तुम्हारे बाबा हैं, मैं नहीं हूँ। सुलेमान शाह के बेटे दुद्दार साहब, मतलब के तुम्हारे बाबा जो एक काई सरदार हैं। मैं तो चुबानोलार से हूँ आयकर, मैं गद्दार नहीं हूं। आपने इस कबीले को कभी अपना कबीला नहीं समझा। मेरे बाबा को गद्दारी की तरफ रागिब करने वाली आप ही हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो एक बहादुर जंगजू मर्द बने, लेकिन वो खुद नहीं बल्कि उसकी बेटी जंगजू मर्द बन गई। मेरी माँ का इंतकाम करीब आ रहा है गजल खातून। हिसाब चुकता हुआ ये सोचना भी मत। अच्छा तो तुम्हें किसका इंतजार है? अपना इंतकाम ले लो ना तुम। उस्मान साहब को दुआ देना,
अगर उनका हुक्म ना होता तो अब तक सर धड़ से अलग होता। गसल खातून, जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ का गला काटा था उस तरह मैं तुम्हारा गला नहीं काट पाई। आई गुल, मुझे इसका दुख है। हमने तुम्हारे बड़े भाई के कातिल का पता चला लिया अर्दुरुल। उसकी मौत की वजह बनने वाले दुंदार साहब हैं। शर्म आनी चाहिए दुंदार साहब आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जो सुना क्या वो सच है? सच है खातून। खुदार चचा जान है। वो गद्दार कहां गया है? वो उसे बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसे पकड़कर मेरे हाथों से मरने में कुछ वक्त बाकी है। तुम जिस गर्भ से गुजर रही हो यह सिर्फ तुम जानती हो, मैं नहीं जान सकता। मुझे तो मां बाप के चेहरे भी याद नहीं। मां का क्या मतलब है? बाप किसे कहते हैं? मैं कभी नहीं जानता था। काश मैं कभी ना जानती ये सब। मेरी मां को उस नापाक गजल खातून ने मार डाला। मैं महीनों तक इस खेमे में उसके साथ रही और दूसरा शख्स जो इस खेमे में रहता था यानी मेरे पापा, उन्हें भी मार डालेंगे उस्मान साहब।
क्योंकि वो गद्दार है। तुम ठीक कहते थे जरकोताए, जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं ही जानती हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, हालांकि मैं नहीं जानता कि नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन अगर तुम अपना दिल बहलाना चाहो बेहतर जानते हो मुझे चरकोताए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। क्या खबर लाए हो बताओ? हुजूर, कबीले का गद्दार सामने आ गया है। कौन था वो? दुंदार साहब। दुंदार साहब? हाँ, ये वाज़े था। गद्दार उस्मान साहब का करीबी है, ये वाज़े था। और दुंदार साहब अब कहाँ हैं? नहीं मालूम कहाँ हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही उन्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। जाहिर है वो कहीं छुप गए हैं। उसने जरूर अपने इत्तेहादियों की जगह पर पना ली होगी। बहुत अच्छे बहादुर, दुंदार साहब कहाँ है पता करो, और अगर उस्मान साहब उसे पकड़ लें तो मुझे फौरन इत्तला करना। जैसे आपका हुक्म। दुंदार साहब ने ये क्या कर दिया है? उफ चचा, चचा, चचा इस वक्त निकोला के हाथों में है, इसलिए क्या करना होगा मुझे अब यह भी वाज़े है। हमें कासिद भेजेंगे और चचा को तावान देकर वापस ले लिया जाएगा। मैं जाना चाहता हूं उस्मान साहब। साउची भाई, आप बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में ये करना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि निकोला से आपका सामना हो, और ना ही आपका सामना चचा से होना चाहिए। सबसे बेहतरीन फैसला गुंदूज भाईजान को वहां भेजना होगा। यही बेहतर होगा मेरे भाई। भाईजान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। वो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, लेकिन जमीन के सिवा। रस्सी काफिरों के हाथ में है उस्मान साहब, वो बहुत कुछ चाहेंगे। मालो सर की कोई कीमत नहीं भाईजान, हम बस मुसीबत पर काबू पा लें, मालो सर तो फिर हासिल हो जाएगा। साउची भाई, बायोजा के कातिल को सजा दी जा चुकी है और उसका सबब भी जान चुके हैं, इसलिए अब इसकी कीमत वसूल की जाएगी। फिक्र मत कीजिए।
मेरे अंदर की आग ठंडी होगी भाई, मेरे अंदर की आग ठंडी होगी, लेकिन जब चाचा को पनाह देने वाला निकोला भी मर जाएगा तब मेरे अंदर की आग ठंडी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं सिपाहियों के साथ सुरंगों से गुजरकर सोत में दाखिल होने में कामयाब हो गई। नक्शे में नजर आने वाली सुरंगें वो सब मौजूद हैं। पैत्रोस की दुकान, गिरजाघर और दरगाह सब आपस में जुड़े हैं। मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे खेलों से नफरत करता था निकोला, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी सियासी बसीरत से हम फतह हासिल करेंगे। सो तब हमारा है, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा क्या मंसूबा है निकोला? गुंदू साहब आए हैं। तो मतलब ये कि उस्मान ने दुंदार साहब की भूख को यहां से भी सूंघ लिया। आने दो। गुंदू साहब। दुंदार चचा कहां है? मैं कुछ समझा नहीं। खेल खेलना बंद करो तेगफूर। हम जानते हैं कि उस गद्दार ने यहां पनाह ली है। तुम मेरी बात गौर से सुनो, उन्हें हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो। दुंदार साहब जैसा वफादार इत्तेहादी मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्योंकि उनका अब तुम्हारे साथ काम खत्म। अब वो एक जवाल शुदा साख वाले शख्स के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि वो आइयों पर स्याह धब्बा है। उस्मान ने यकीनन कोई खूनी ख्वाब सोच रखा है, जैसा कि हर गद्दार के साथ हुआ। ठीक है गुंदू साहब, लेकिन इसके बदले आपकी पेशकश क्या है? तावान की रकम, 1000 सोने के सिक्के। तो बस इतनी ही कीमत है मेरी? लगता है गद्दार आ गया। देखो गद्दार आ गया। गद्दार आ क्यों नहीं? उस्मान भाईजान के साथ मिलकर जो सरजमीनें मैंने फतह की और उसका सुलूक मेरे साथ क्या रहा है? जैसे मैं कुछ भी नहीं, अपने हाथों से जो कुछ तामीर किया उसने वो सब खतरे में डाल दिया। कबीले पर कब्जा कर लिया, जो सरदारी का मेरा हक था मुझसे छीन लिया। चारों तरफ उसने हमारे दुश्मनों को लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं गुंदूज, आंखें खोलो गुंदूज। कबीले में कोई गद्दार है तो वो मैं नहीं हूं, उस्मान है।